वहाँ पे लेक है, चिरसर भी लेक है, इंदरसर भी लेक है, जाजी मार्ग एक मीडो एरिया है इंदरसर, और डोंटसर भी है, डिंगसर भी है। चलिए वो वहीं पे देख के आपसे बात करते हैं। अब ये वाला रोड हमें क्रॉस करना है, तो इधर से जाना है हमें या फिर है कि तेरे ना थोड़ा ये थे का तेरे थे मगर पर उनसे खड़ा खड़ा शैल्डिंग। यस चलो ट्रैकिंग में भी मज़ा आता है। आसिफ भाई आराम से आना है, कम से कम मुझे लगता है शाबाश। अच्छा दो ब्लू भाई घंटे का आराम से ट्रैक है आना, यहाँ से। आ जा जा, ठीक है ठीक है, चलो वेरी गुड। चरणबल पहुँचाना और वापस भी अच्छे से लाना। चरणबल कितना दूर है? थोड़ा ही दूर है। थोड़ा ही दूर है बाइक से। अब यहाँ से जाएंगे हम ट्रैकिंग, ये हमारा रास्ता है चरणबल का। हमने हमने काफ़ी कोशिश की थी बाइक्स को आगे ले जाने की। ओ माय गॉड, 2 घंटे का ट्रैक कर फाइनली 2 घंटे का ट्रैक करके हम मुझे लगता है पहुँचने वाले हैं। ओ माय गॉड, ये देखिए आप, ये टनल से हमें जाना है आगे। यहाँ तो कुछ नहीं है, ओ अभी काफ़ी ज़्यादा है। ओह माय, ये क्या हुआ? ओह ये धोखा ही है, अभी हमारा ट्रैक मुझे लगता है स्टार्ट हो गया है। लेकिन काफ़ी घने जंगल है, यहाँ से हमें केयरफुल रहना होगा क्योंकि कोई जंगली जानवर भी हो सकता है। बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आसिफ भाई खुश नहीं है भाई, गंगा बोल यहाँ कुछ नहीं है, गंगा बोल यहाँ कुछ नहीं है। मेरा बैग मुझे पुश कर रहा है आगे की तरफ, आप देख सकते हैं कितने घने जंगल काफी ज्यादा है। अभी जितना हम नजदीक आते जा रहे हैं उतनी मेरी खुशी बढ़ती जा रही है क्योंकि हमने काफी टफ ट्रैक वहां से किया है, काफी ज्यादा थक गए। मेरे दो साथी भी आप देख सकते हैं पीले पड़ गए हैं। अब्रार आराम से, अब्रार स्लिपरी है, निकाला है। हम इसी रोड से जाएंगे क्योंकि हम अवॉइड करेंगे घने जंगल जो है। ओ ये तो मुझे नहीं लगता इतना ब्यूटीफुल मीडो आपने कभी देखा होगा। अब हमारा जो ट्रैक ये वाला ट्रैक है, अब हम पहुंचने वाले अपनी लेक्स की तरफ। ये देखिए अब जस्ट ये है वेशो नाला, ये हमें क्रॉस करना है, उसके बाद हम स्टे करेंगे आगे। वीडियोस हमने पीछे छोड़े वहाँ से, हम वहाँ से हम आ रहे हैं। वो देखो वहाँ पे ब्रिज, एक ओ ब्रिज बना हुआ भाई। हम ये है वेशो नाला।